आप लोगों ने दुनिया की बहुत सारी ऊंची बिल्डिंग्स को देखा होगा और उनमें से कुछ बिल्डिंग्स में तो आप गए भी होंगे, बट क्या आपने कभी ये सोचा है कि फ्यूचर में बनने वाली बिल्डिंग्स हमारे दुनिया में कैसी होंगी? आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि अभी जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स हैं वो कितनी बेहतरीन हैं और फिर जो आने वाली बिल्डिंग्स बनने वाली हैं वो कितनी बेहतरीन होंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए उन्ही बिल्डिंग्स की लिस्ट लेके आया हूँ जो आने वाले समय में हमारी इस दुनिया में बनने वाली है। और ये बिल्डिंग्स कोई ऐसी वैसी बिल्डिंग्स नहीं होंगी, क्योंकि शायद ही इन बिल्डिंग्स के बनने के बाद कोई इनसे ऊंची भी कोई बिल्डिंग बना सकता है, क्योंकि इस लिस्ट में वो बिल्डिंग्स ही हैं जिसके बाद आप इनसे ऊंची बिल्डिंग्स नहीं बना सकते। अभी के दौर में तो नहीं बना सकते, आने वाले समय की तो कह नहीं सकते, क्योंकि क्या पता आने वाले समय में साइंस इतना ज्यादा डेवलप्ड हो जाए कि इनसे भी ऊंची वो बिल्डिंग्स बना सके। तो इन बिल्डिंग्स के अलावा मैं आपको तीन और ऐसी बिल्डिंग्स के बारे में बताऊंगा जिनकी हाइट जो बिल्डिंग मैं आपको बताऊंगा उन बिल्डिंग से बहुत ज्यादा होगी। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई जब इन तीन बिल्डिंग्स की जो बिल्डिंग्स मैं आपको बताऊंगा उन बिल्डिंग से हाइट बहुत ज्यादा होगी, तो इन तीन बिल्डिंग्स को मैंने इस लिस्ट में क्यों नहीं रखा? आपके इस सवाल का जवाब आपको तब मिल जाएगा जब मैं आपको इन तीन बिल्डिंग्स के बारे में बताऊंगा। खैर, आपको हिंट देने के लिए मैं आपको बता दूं कि इन तीनों बिल्डिंग्स में से जो बिल्डिंग टॉप पर होगी उस बिल्डिंग की हाइट 1,00,000 किलोमीटर होगी। ये सुनने के बाद अब आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे होंगे कि भाई इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना के करना क्या है। तो आप वीडियो के एंड तक देखो, क्योंकि वीडियो के एंड तक आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस दुनिया में बनने वाली सबसे ऊंची बिल्डिंग्स की लिस्ट, जिसमें नंबर 10 पर है द इलिनॉइस। ये बिल्डिंग यूएस के शिकागो सिटी में बनेगी, जिसकी हाइट 1.731 किलोमीटर होने वाली है, जिसे हम 5,679 फुट भी बोल सकते हैं। और इस बिल्डिंग में टोटल 528 फ्लोर्स होंगे। गाइस, इस बिल्डिंग की हाइट 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा की होगी, तो आप इस बात का अंदाजा खुद ही लगा लो कि भाई इस लिस्ट में जो बिल्डिंग नंबर 1 पर है उसकी हाइट क्या होगी। तो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए 1957 में यूएस गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया गया था फ्रैंक लेलॉयड ब्राइट द्वारा। इस बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया गया है कि इस बिल्डिंग की पार्किंग में आप 15,000 से भी ज्यादा कार्स पार्क कर सकते हैं और उसी के साथ ही साथ 100 हेलीकॉप्टर्स भी पार्क कर सकते हैं। ये बिल्डिंग उन सभी बिल्डिंग से 4 गुना ज्यादा ऊंची होगी जो इस टाइम पर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स हैं, जैसे बुर्ज खलीफा, जेडा टावर, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। नंबर 9 पर है टाइम्स स्क्वायर 3015। ये बिल्डिंग भी यूएस के न्यूयॉर्क सिटी में बनेगी। इस बिल्डिंग की हाइट 1.733 किलोमीटर होगी या 5,686 फुट भी बोल सकते हैं। इस बिल्डिंग में टोटल 321 फ्लोर्स होंगे। इस बिल्डिंग को बनाने का प्रपोजल 2015 में यूएस गवर्नमेंट को दिया गया। अब यूएस गवर्नमेंट कब इन बिल्डिंग्स को बनने का अप्रूवल देती है, बस ये हमें देखना होगा। नंबर 8 पर है मिलेनियम चैलेंज टावर। ये टावर कुवैत में बनने वाला है, जिसकी हाइट 1.852 किलोमीटर होगी या 6,080 फुट भी हम इसे बोल सकते हैं। इस बिल्डिंग को बनाने का प्रपोजल 2005 में दिया गया था। नंबर 7 पर है द डच माउंटेन। ये बिल्डिंग नेदरलैंड के एलिवोलैंड सिटी में बनेगी, जिसकी हाइट होगी 2 किलोमीटर या 6,600 फुट भी बोल सकते हैं। और इस बिल्डिंग को बनाने का प्रपोजल 2012 में नेदरलैंड की गवर्नमेंट को दिया गया। नंबर 6 पर है सिमीजू मेगा सिटी पिरामिड। ये बिल्डिंग जापान की राजधानी टोक्यो में बनेगी। जैसा कि इस बिल्डिंग के नाम में ही पिरामिड है, तो ये बिल्डिंग भी पिरामिड की तरह ही बनेगी और इस बिल्डिंग की भी हाइट होगी 2 किलोमीटर या 6,600 फुट। इस बिल्डिंग की भी हाइट सेम 7 नंबर वाली बिल्डिंग की तरह ही होगी, 2 किलोमीटर। अब आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये जरूर सोचा होगा कि भाई जब इस बिल्डिंग की हाइट सेम 7 नंबर वाली बिल्डिंग की तरह है तो इस बिल्डिंग को 6 नंबर पर क्यों रखा? क्योंकि मेरे भाई, इस बिल्डिंग को बनाने का प्रपोजल 1996 को जापान की गवर्नमेंट को दे दिया गया था। मतलब कि जिस बिल्डिंग को बनने का प्रपोजल उनकी गवर्नमेंट को पहले दिया गया, उस बिल्डिंग को ऊपर रखा गया। वो कहते हैं ना कि भाई जिस बस की सीट पर आप अपना रुमाल रख दोगे वो सीट आपकी हो जाएगी और आप उस सीट पर पहले जाकर बैठ सकते हैं। तो वही सेम चीज यहाँ पर भी हुई है। इस बिल्डिंग में टोटल 240 फ्लोर होने वाले हैं। ये बिल्डिंग इतनी बड़ी होगी कि इस बिल्डिंग में एक साथ 10 लाख लोग रह सकते हैं, यानी कि 1 मिलियन लोग एक साथ रह सकते हैं इस बिल्डिंग में। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जापान की गवर्नमेंट को प्रपोजल दे दिया गया है। अगर ये प्रपोजल जापान की गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट हो जाता है, जो कि ऐसा कुछ न्यूज में सुनने में भी आया है कि शायद हो सकता है कि इस बिल्डिंग को आने वाले 1-2 साल में ही बनने का अप्रूवल मिल जाएगा, तो ये बिल्डिंग 2030 से बनना स्टार्ट होगी और 2110 तक बन के कम्प्लीट हो पाएगी। और इस बिल्डिंग के कम्प्लीट होने के बाद ये दुनिया में इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। नंबर 5 पर है दुबई सिटी टावर। ये टावर दुबई में ही बनाया जाएगा और इसकी हाइट होगी 2.4 किलोमीटर या 2,900 फीट भी बोल सकते हैं। इस बिल्डिंग में टोटल 400 फ्लोर्स होंगे और इस बिल्डिंग को बनाने का प्रपोजल दुबई की गवर्नमेंट को 2008 में दिया गया था। अगर
अगर ये बिल्डिंग बनके कंप्लीट हो जाती है तो ये बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से 3 गुना ज्यादा ऊंची होगी और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से तो 7 गुना ज्यादा ऊंची होगी। नंबर 4 पर है अल्टिमा टावर। ये बिल्डिंग यूएस के सैन फ्रांसिस्को में बनाई जाएगी जिसकी हाइट होगी 3.2187 किलोमीटर या 10,507 फुट। इस बिल्डिंग में टोटल 500 फ्लोर होंगे और इस बिल्डिंग में भी एक साथ 10 लाख लोग रह सकते हैं। इस बिल्डिंग को बनाने का प्रपोजल यूएस गवर्नमेंट को 1991 में दिया गया था। नंबर 3 पर है एक्सीड 4000। गाइस आप में से शायद ही कोई होगा जो इस बिल्डिंग के बारे में नहीं जानता होगा, क्योंकि जो भी बिल्डिंग्स मैंने आपको बताई हैं या बताने वाला हूं उन सभी बिल्डिंग्स में से इस बिल्डिंग के बनने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। ये बिल्डिंग जापान के टोक्यो में बनेगी और इस बिल्डिंग की हाइट होगी 4 किलोमीटर या 13,000 फुट। जब इस बिल्डिंग की हाइट इतनी ज्यादा होगी तो आप सोचो कि भाई इस बिल्डिंग का बेस कितना चौड़ा बनाया जाएगा। इस बिल्डिंग का बेस 6 किलोमीटर तक फैला होगा। इसमें टोटल 800 फ्लोर्स होंगे और इस बिल्डिंग की हाइट शिमिज़ू मेगा सिटी पिरामिड बिल्डिंग से 2 गुनी ज्यादा होगी। नंबर 2 पर है टोक्यो टावर ऑफ बबल, जो कि जापान के टोक्यो सिटी में ही बनाया जाएगा। इस बिल्डिंग की हाइट होगी 10 किलोमीटर या 33,000 फुट और इसमें टोटल 1,000 से भी ज्यादा फ्लोर्स होंगे। इस बिल्डिंग को बनाने का प्रपोजल 1992 में जापान की गवर्नमेंट को दिया गया। जब ये बिल्डिंग बनके तैयार हो जाएगी तो ये बिल्डिंग पृथ्वी की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी जिसमें 30 मिलियन लोग एक साथ रह सकते हैं और इसे बनने में 100 से 150 साल लग जाएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि आप इस बिल्डिंग में जाके रहोगे या फिर तो इन जैसी और भी किसी बिल्डिंग्स में जाके रहोगे तो भाई ये तो आप बिल्कुल ही भूल जाओ, क्योंकि जब तक ये बनके कंप्लीट होगी तब तक तो हम इस दुनिया में ही नहीं होंगे। तो गाइस फाइनली अब मैं आपको उस बिल्डिंग के बारे में बता रहा हूँ जो इस दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। तो गाइस नंबर 1 पर है स्टारडम जनरेशन 2। ये बिल्डिंग यूएस में बनाई जाएगी और यूएस के किस सिटी में इस बिल्डिंग को बनाया जाएगा ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। इस बिल्डिंग की हाइट होगी 20 किलोमीटर यानी कि 12 माइल। इस बिल्डिंग को बनाने का प्रपोजल 2001 में यूएस गवर्नमेंट को दिया गया। तो गाइस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक बात कही थी कि भाई आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि भाई इतनी ऊंची बिल्डिंग बना के आखिर करना क्या है। तो भाई सुनो, इन ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स का यूज स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस टूरिज्म, स्पेस कॉलोनाइजेशन जैसी चीजों में किया जाएगा, क्योंकि इन बिल्डिंग्स की हाइट जरूर 10 या 20 किलोमीटर तक होगी लेकिन इन्हें कुछ ही किलोमीटर तक बनाया जाएगा। उसके बाद इन बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से एक केबल को कनेक्ट करके उस ऊंचाई तक पहुंचाया जाएगा जितनी ऊंचाई उस बिल्डिंग की होगी। जैसे मान लो किसी बिल्डिंग की ऊंचाई 20 किलोमीटर है तो 20 किलोमीटर तक उस केबल को पहुंचा दिया जाएगा, जिसके बाद इस केबल पर लिफ्ट लगा दी जाएगी। फिर इसका मेनली यूज स्पेस के कामों के लिए किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे रॉकेट जो पृथ्वी से लॉन्च किए जाते हैं उन रॉकेट को लॉन्च करने में बहुत सारे ईंधन वेस्ट हो जाता है, जिससे उस ईंधन को बचाने के लिए ऐसी बिल्डिंग्स का यूज किया जाएगा। वैसे गाइस इस चीज के मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। आई होप सो गाइस कि आप इतनी सी बात में सारी चीजें समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में सारी चीजें डिटेल में समझा दूंगा। तो गाइस ये थी दुनिया में बनने वाली 4 टॉप 10 बिल्डिंग्स जिन्हें आने वाले समय में बनाया जाएगा। तो गाइस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 3 ऐसी बिल्डिंग्स के बारे में बताऊंगा जिन बिल्डिंग्स की हाइट आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वैसे गाइस इन बिल्डिंग्स के बनने का अभी कोई चांस नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है जिससे इन बिल्डिंग्स को बना लिया जाए तो भाई इन बिल्डिंग्स की हाइट आप रियली में इमेजिन नहीं कर सकते। जिसमें नंबर 3 पर है स्केल डाउन स्पेस एलिवेटर। अगर ये बनके कंप्लीट होता है तो इसकी हाइट होगी 20 किलोमीटर। जैसा कि मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि ऐसी बिल्डिंग्स का यूज होगा स्पेस में कुछ भी लॉन्च करने के लिए। नंबर 2 पर है द लॉन्च लूप। अगर ये फ्यूचर की किसी भी टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है तो इसकी हाइट होगी 80 किलोमीटर यानी कि 50 माइल। और नंबर 1 पर है द स्पेस एलिवेटर। इसकी हाइट होगी 1,00,000 किलोमीटर या 62,137 माइल। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि अगर ऐसी कोई चीज इन फ्यूचर में बनाई जाती है तो इसकी हाइट हमारी पृथ्वी से कितनी ऊंची होगी। अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ बनता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा स्पेस एक्सप्लोरेशन में होगा। इससे हम पृथ्वी से लॉन्च होने वाले रॉकेट फ्यूल को बचा सकते हैं। तो गाइस ये थी दुनिया की उन टॉप 10 बिल्डिंग्स की लिस्ट जो आने वाले समय में इस दुनिया में बनने वाली हैं। तो गाइस आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि इतनी ऊंची बिल्डिंग हमारी पृथ्वी पर बन सकती है या नहीं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि क्या पता बाद में आपको इस चैनल को ढूंढना पड़े और फिर ये चैनल आपको ना मिले, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।